बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और उनके भाई आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल टू 26 नवंबर को सिनेमाघर में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस दिन बॉक्स ऑफिस पर दबंग खान और बॉलीवुड के जॉन अब्राहम की टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसी डेट पर सत्यमेव जयते 2 भी रिलीज हो रही है। फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद ऐसा लगा कि अब सलमान खान के दिन लदने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस तो छोड़िए, हाइब्रिड मॉडल में रिलीज की गई इस फिल्म की ऑनलाइन रेटिंग भी बहुत खराब थी। यहाँ तक कि लोगों ने सलमान खान को एक्टिंग छोड़कर कोई दूसरा काम करने की सलाह दे डाली थी, लेकिन सलमान तो सलमान है, फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान है, वो कहाँ रुकने वाले हैं। दोस्तों, फिल्म राधे की रिलीज के कुछ ही महीनों के अंदर सलमान खान की फिल्म अंतिम रिलीज होने जा रही है। उसके बाद एक के बाद एक करीब 5 फिल्में लाइन में हैं जो आने वाले 2 साल के अंदर रिलीज होगी। इनमें कई फिल्मों की शूटिंग खत्म हो चुकी है तो कई फिल्मों की चल रही है। उनकी मोस्ट वेटेड फिल्म टाइगर 3 की 80% शूटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब जल्द ही इस फिल्म का पैकअप होने वाला है। मुंबई में फिल्म का विशाल सेट तैयार किया जा चुका है, जहां सलमान खान 40 दिनों तक फाइनल शेड्यूल शूट करेंगे। फिल्म खत्म करने के लिए लगातार 40 दिनों तक की शूटिंग होने वाली है। मनीष शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म की टीम सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के साथ एक्शन और ड्रामे से भरपूर सीन शूट करेगी। वहीं दोस्तों, फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग पूरी होने के बाद सलमान खान साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर की शूटिंग करेंगे। इसमें उनका कैमियो रोल था, लेकिन बताया जा रहा है कि सलमान खान के स्टारडम को भुनाने के लिए उनके रोल को बढ़ा दिया गया है। जिस तरह इस फिल्म के लिए सलमान खान को कम से कम 15 दिनों का समय देना होगा। इसके साथ ही शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान में भी सलमान खान कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग रोकी जा चुकी है। लेकिन अभी ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी की वजह से पठान की शूटिंग होल्ड कर दी गई है। इन फिल्मों की शूटिंग पूरी करने के बाद सलमान खान अपने जन्मदिन और नए साल के लिए छुट्टी ले लेंगे। हालांकि इस बीच कोरोना की लहर पर भी उनकी सारी योजनाएं निर्भर रहेगी। दोस्तों, हम बात करते हैं सलमान खान की अपकमिंग फिल्मों की, तो पहले नंबर पर कभी ईद कभी दिवाली है, वहीं दूसरे नंबर पर टाइगर 3 है, वहीं तीसरे नंबर पर बात करें तो पठान है, जिसमें वो शाहरुख खान के साथ कैमियो रोल करेंगे। वहीं दोस्तों, चौथे नंबर पर किक 2 है और 5वें नंबर पर गॉडफादर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसे लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल RDTalks को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।